इक्विटी शेयर्स आजकल काफी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे इंफोसिस के एम्प्लॉय करोड़पति हुए हैं और दूसरे कंपनी के भी एम्प्लॉय जिनका पगार कम है बट करोड़ों की संपत्ति शेयर्स के वजह से हुई है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये क्या है, इसके कंसेप्चुअल पूरा डेप्थ मैंने इस वीडियो में बताया है, तो अच्छे तरीके से वीडियो को देखना, समझना। और ये 4 मार्क के शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर आ सकता है। तो ध्यान से वीडियो को समझना और देखना, लाइक करना, कमेंट करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट मतलब पसीना। तुमने बहुत सारा मेहनत किया है कंपनी के लिए, उस पसीने की कीमत है स्वेट इक्विटी शेयर्स। पहली बात तो ये सिर्फ कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को ही दिया जा सकता है, बाहर के लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया जा नहीं सकता। ये डिस्काउंट में दिया जाएगा या तो कैश छोड़कर दूसरे कंसिडरेशन में। मतलब कि कोई प्रमोटर है, उसने बहुत मेहनत किया है कंपनी शुरू करने के लिए, तो उसको शेयर्स दिया जाएगा। नाउ तुमको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे ही कंपनी शेयर्स मार्केट में लाती है तो शेयर्स का दाम, ठीक है, बहुत, जैसे लिस्टिंग में बहुत सारा बढ़ जाता है तो प्रोमोटर रातों रात रईस हो जाता है। ये स्वेट इक्विटी शेयर बहुत बड़ा कारण रहता है उसका। तो वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन जो उसने किया है कंपनी के लिए, जिससे प्रॉफिट बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का जो जिसने अभी iPhone 13 लॉन्च होने वाला है, ठीक है ना, एक था सर जोनाथन आइव करके एप्पल का, तो वो बेसिक क्रिएटर था, बहुत सारा एप्पल के प्रोडक्ट्स का क्रिएटर सर जोनाथन आइव, उसको अभी सर बोलते हैं, उसको डॉक्टर की पदवी मिली है, ठीक है ना, तो सर बोलते हैं। तो उनको उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली इक्विटी शेयर ही है, लेकिन तुमने जो मेहनत किया है उसकी कीमत कंपनी तुमको दे रही है, या तो बहुत अच्छे दाम में दे रही है, 100 रुपए का 20 रुपए में, या तुमने प्रमोशन पूरे स्टेप्स लिए, स्टार्टिंग में मेहनत किया, उस तौर पर दिया जा रहा है। ये लॉक इन पीरियड रहेगा, नॉर्मली लॉक इन पीरियड 3 इयर्स रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम में शेयर होल्डर ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाता। जैसे ये लॉक इन पीरियड खत्म होता है, शेयर होल्डर की मर्जी, जो कि एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय भी है और शेयर होल्डर भी है, तो लॉक इन पीरियड के बाद, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज बेचते नहीं है, क्योंकि वो काम करते हैं तो उनको पता चल रहा है कि कंपनी नफे में जा रही है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, तो दाम बढ़ेगा, तो वो रख के रोक के रखते हैं, और भविष्य में जब बेचते हैं तो करोड़ों रुपए मिलता है। इस प्रकार से एक नॉर्मल एम्प्लॉय देखा जाए तो रातों रात करोड़पति बन जाता है स्वेट इक्विटी शेयर से, ठीक है ना। अगेन, स्वेट इक्विटी शेयर के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होता है किससे, इक्विटी शेयर होल्डर से, तब जाकर ये शेयर्स दिया जाता है, तब तक ये शेयर्स दिया जा नहीं सकता। सबको समझ में आया स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए ये दिया जाता है, नॉर्मली डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट वाले वीडियोस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और कमेंट कीजिए यदि आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक वीडियो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।